वेलकम एवरीवन। आज की कविता है अट नहीं रही है। इस कविता के रचनाकार हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके मूल रूप को राग विराग में संकलित किया गया था, यानी कि एक काव्य रचना है राग विराग, उसमें इसे संकलित किया गया था। यहाँ पर फाल्गुन के महीने की सुंदरता का वर्णन इस कविता में कवि ने अत्यंत उल्लासपूर्ण तरीके से किया है। वह कहता है कि फाल्गुन की सुंदरता उसमें समा नहीं रही है और वह प्रकृति के हर कण से फूट फूट कर बाहर आ रही है। कवि कहता है कि पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हो। वह कहता है कि आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान करते हो, यानी कि जो अभी सुंदरता है फाल्गुन के मंथ की, फाल्गुन के महीने की, वह कवि को अपनी ऊंची कल्पना की उड़ान उड़ने के लिए पंख दे रही है। यानी प्रकृति इतनी सुंदर है कि वह अपनी कल्पना के आधार पर कविताओं की रचना कर सकता है और उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आ रही हैं। फिर वह कहता है कि फाल्गुन की सुंदरता सब तरफ व्याप्त है। कहता है कि अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तनसट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी कि आपकी शोभा ऐसी है जो समाई नहीं दिखाई दे रही है, सट नहीं रही है कहीं भी। मतलब आप की जो प्रकृति की सुंदरता है वो कण कण से फूट कर बाहर आ रही है। और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहता है कि मेरे मन में सारी तरह की कल्पनाओं को आप जन्म देते हैं। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी प्रकृति इतनी सुंदर है कि उससे मैं आंख हटाना भी चाहूँ तो मेरी आंखें उससे हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वृक्षों पर पत्ते जो हैं लद गए हैं, कुछ पत्ते हरे हैं और फूल लाल हैं। कहीं पर फूलों की माला सी दिखाई दे रही है और यह सारी शोभा श्री यानी सुंदरता चारों तरफ समा नहीं रही है, चारों तरफ बिखर बिखर कर फैल रही है। यहाँ पर प्रकृति की सुंदर छटा मुखरित हुई है। भाषा में गेयता है यानी गाने की क्षमता है। अतुकांत छंद है। अतुकांत छंद किसे कहा जाता है? जिसमें पंक्ति के अंतिम अक्षर मेल ना खाते हों। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, जिसमें कवि के प्रिय जो हैं अपनी श्वास से प्रकृति के हर कोने को सुगंध से भर देते हैं। यानी फाल्गुन का यहाँ पर क्या किया गया है? मानवीयकरण किया गया है और चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य व्याप्त है। कवि अपने चारों ओर फैले हुए परमात्मा के सौंदर्य से आँख नहीं हटा पा रहा है, यानी कि उसका मन जो सौंदर्य है प्रकृति का उसमें बंध कर रह गया है। वर्णन करते समय वह कहता है कि पेड़ पौधों की डालियां हरे भरे पत्तों और नई नई लाल कोंपलों से लद गई है और वन में वैभव और शोभा और सुंदरता तीनों का मेल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बात करें अगर अनुप्रास अलंकार की तो वह है नहीं रही लाइन में और घर घर भर पर पर कर शोभाश्री इन सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विशेषोक्ति जो है वह इस लाइन में है। मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी लाइन में है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यह विशेषोक्ति अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है वह घर घर पर
पाठ पाठ में पुनरोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से कविता के बारे में मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। अगर आपको कविता अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।